पीएम मोदी का आज ग्रेटर नोएडा दौरा, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे। 11 से 13 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया का आयोजन, जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नोएडा के दौरे पर रहेंगे, और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, जिनका आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है, सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सुबह 10:30 बजे से प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने कल ही पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। 11 से 13 सितंबर तक चलेगा सेमिकॉन इंडिया का आयोजन, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा पहुंचने वाले हैं। तैयारियों को लेकर तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। 10:30 बजे बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। तो अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री मोदी आज सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही मौजूद हैं, साथ में वो भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जानकारी इस कार्यक्रम को लेकर, कब तक प्रधानमंत्री मोदी ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे और क्या तैयारियां? देखिए, सेमिकॉन इंडिया 2024 का एक बड़ा आयोजन है और देश में सेमीकंडक्टर हब को डेवलप करने के लिए इस आयोजन को कराया जा रहा है। 26 देशों के प्रतिनिधि यहां पर शामिल होंगे। मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊं, इंडिया एक्सपो मार्ट जो ग्रेटर नोएडा में है, यहां पर आप देखेंगे तमाम जो पुलिसकर्मी हैं डिप्लॉय कर दिया है। सुबह से तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं, और जिस भी पुलिसकर्मी की जहाँ पर ड्यूटी है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है कि वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करें, ताकि किसी भी तरीके की जो कार्यक्रम में चूक हो वो चूक ना हो। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो कल से वो ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं। कल भी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर यहाँ पर गए थे, उसके बाद में रात में अधिकारियों के साथ मीटिंग की और इस बात को सुनिश्चित करने के आदेश दिए कि इस आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। प्रधानमंत्री तकरीबन 10:25 पर इंडिया एक्सपो मार्ट के अंदर बनाया गया जो हेलीपैड है वहाँ पहुँचेंगे, और उससे पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे। उनके स्वागत को लेकर जितने भी विदेशी मेहमान हैं वो एक एक कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इस आयोजन में 836 जो प्रदर्शक हैं वो अपनी अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे, और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में किस तरीके से अभी तक यूज किया जा रहा है और आने वाले समय में किस तरीके के संकेत हैं, किस तरीके के अवसर हैं, उन तमाम चीज़ों की प्रेजेंटेशन यहाँ पर दी जाएगी। AI टेक्नोलॉजी के साथ साथ सेमीकंडक्टर किस तरीके से उनका निर्माण किया जाएगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आने वाले समय में 6G टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगी, तमाम चीज़ों पर जो टेक्निकल तौर पर है उस पर यहाँ प्रदर्शनी लगाई जाएगी, और यहाँ आने वाले 50,000 से जो ज़्यादा लोग हैं उनको उसके बारे में बताया भी जाएगा। ग्रेटर नोएडा की यमुना प्राधिकरण के इलाके की अगर बात की जाए तो 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए एक पार्क की योजना लाई गई है, ताकि देश और विदेश की वो कंपनियां जो सेमीकंडक्टर का निर्माण करती हैं वो यहां पर निवेश कर सकें। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने कल समीक्षा की थी, तो पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऐसे में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ साथ सेमीकंडक्टर हब के तौर पर ग्रेटर नोएडा को विकसित किया जाए, उसी को लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, और तकरीबन 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इन तीनों दिनों तक कोई ना कोई VVIP यहाँ पर आते रहेंगे और विदेशी मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर आते रहेंगे। फिलहाल 10:30 बजे से पहले ही जो तमाम तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। पुलिसकर्मियों की अगर बात की जाए तो 3000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली से नोएडा आने वाला एक्सप्रेस वे DND की बात करें या 14A की बात करें, कालंदी कुंज वाला जो रोड है, तमाम जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया है। एक्सप्रेस वे से आम गाड़ियों को सुबह 8 बजे से आज रात तक आने के लिए मनाई है। तमाम गाड़ियां सर्विस रोड से निकाली जाएंगी। वैकल्पिक मार्गों को लेकर ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो रूट डायवर्जन प्लान है उसको 2 दिन पहले ही लागू कर दिया गया था, और सभी शहरवासियों को, खासतौर पर ऐसे लोग जो दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली जाने वाले लोग हैं, उन सब तक उसको पहुँचा दिया, और आपातकालीन स्थिति के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए ताकि किसी को आवाजाही में कोई परेशानी ना हो। फिलहाल तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और माना जा रहा है 10 बजे के आसपास योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद 10:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और 10:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर रहेंगे। 12:05 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो यहां से उड़ान भरेगा, और उसके बाद आम जो विजिटर्स हैं उनके लिए इसको खोल दिया जाएगा। अभी भी मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊं तो तमाम जो अधिकारी हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहां पर।
कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जितनी भी आरआरएफ है या अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है, इसके अलावा बाहर के जनपदों से भी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बुलाया गया है। आगरा, बुलंदशहर, हापुड़ या मेरठ के आसपास के जो जनपद हैं वहाँ से भी पुलिसकर्मियों को इसलिए बुलाया गया है ताकि किसी भी तरीके की कार्यक्रम के अंदर चूक ना हो। एक बड़ा आयोजन है, इंटरनेशनल लेवल का आयोजन है, तो ऐसे में तमाम तैयारियाँ दुरुस्त करने के लिए पिछले तकरीबन 15 दिनों से यहाँ पर तैयारियाँ की जा रही थी। बाहर से आने वाले मेहमानों के रुकने के लिए जो जगह है उसको चिन्हित किया गया था, चाहे पुलिस की गाड़ी हो चाहे किसी भी व्यक्ति की गाड़ी हो, जिन लोगों की अंदर ड्यूटी लगी हुई है केवल उन्हीं को अंदर प्रवेश करने दिया जा रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास अंदर जाने का कोई एंट्री पास नहीं है उन लोगों को अंदर जाने पर साफ तौर पर मनाई है। इससे कुछ ही दूरी पर गोल चक्कर है, वहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगाकर पूरी तरीके से इस रोड को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा और इस एक्सपो मार्ट के सामने जो रोड है इस रोड पर कोई भी गाड़ियों को आवाजाही पूरी तरीके से मनाई है। नॉलेज पार्क के अंदर तमाम जो मूवमेंट रोजाना चलता है वो मूवमेंट को भी आज रोक दिया गया है ताकि जो कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। जी बिल्कुल, इसके साथ ही देखिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो पुख्ता तौर पर किए गए हैं, रूट डायवर्जन कर लिया गया है। आप बता रहे हैं लगभग 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे, यानी कि 1.5 घंटे तक वो रुकने वाले हैं। क्या किसी तरह के कोई संबोधन को लेकर भी तैयारी की गई है, कोई इंतजाम है, या फिर 1.5 घंटे एक्सपो मार्ट में जो तैयारियाँ हैं, जिस तरह की यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं वो लगाए जाएंगे उनको देख कर या पूरे एक्सपो मार्ट को देख कर वो चले जाएंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो जैसे ही 10:30 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा उसके बाद वो यहाँ पर लगे हुए जो 836 स्टॉल्स हैं वो किस किस टेक्नोलॉजी के लगाए गए हैं, आज के समय में दुनिया किस लेवल पर सेमीकंडक्टर के निर्माण को लेकर या उसके प्रयोग को लेकर काम कर रही है और भारत में उसके किस तरीके के अवसर हैं, किस तरीके से आगे इस कारोबार को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, उन तमाम जो स्टॉल्स हैं उनका निरीक्षण करने के साथ साथ विदेशी जो डेलीगेशन हैं उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन होने की भी जानकारी है। देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से 1000 एकड़ का एक पार्क विकसित करने की योजना लाई गई है, वहाँ निवेश करने के किस तरीके के विदेशी कंपनियों के लिए अवसर हैं, उन अवसर के बारे में प्रधानमंत्री बात करते हुए नजर आएंगे, योगी आदित्यनाथ बात करते हुए नजर आएंगे और सेमी कंडक्टर का जो पार्क ग्रेटर नोएडा की अमना अथॉरिटी में प्रस्तावित किया गया है उसमें किस किस तरीके से विदेशी लोगों को या देश के लोगों को वहाँ पर जमीन मुहैया कराई जाएगी, सिंगल विंडो सिस्टम से किस तरीके से वो अपने कारोबार को यहाँ चला सकते हैं, किस तरीके से भारत में संभावनाएं हैं इस कारोबार को बढ़ाने को लेकर, इन तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री यहाँ संबोधन करते हुए नजर आएंगे। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे पुलिस की मुस्तैदी भी बढ़ रही है, तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाऊँ लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो अलर्ट हैं, जैसे जैसे कार्यक्रम का समय नज़दीक आएगा वैसे वैसे पुलिस और ज़्यादा मुस्तैद होगी। अभी क्योंकि 7 बजे के आसपास का वक्त है और कार्यक्रम 10:30 बजे होगा तो आप देख सकते हैं अभी से ही पूरी तरीके से जो तमाम पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर अलर्ट आपको नजर आएंगे, ना केवल पुलिसकर्मी बल्कि जिला प्रशासन के साथ साथ तमाम जो संबंधित विभाग हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम, यमुना प्राधिकरण की टीम और नोएडा प्राधिकरण की टीम भी यहाँ पर मौजूद हैं अपने अपने लेवल पर, जिन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है वो उस काम को करने में यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब 10:30 बजे शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी कई बार अपने संबोधन में ये बता चुके हैं कि सेमी कंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में किस तरीके से भारत को अपनी मजबूती पेश करनी चाहिए और उसी दिशा में ये एक और कदम। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर महोबा से है जहां पर कार ने बाइक सवार को